हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कलर ब्लाइंड पीपल्स के बारे में। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अभी तक तो उनको जॉब में ही समस्या आ रही थी कि जहाँ पर भी वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जॉब्स हैं गवर्नमेंट के या फिर प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर आँखों की जाँच की जाती है और उसमें कलर विज़न की भी जाँच की जाती है। तो ये समस्या तो है ही है कलर ब्लाइंड पीपल्स के लिए कि वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते और फिर वो जॉब जो वो चाहते हैं वो उनके हाथ से निकल जाती है। तो इसके साथ साथ ये था कि अगर वो लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करते हैं तो अभी तक नियम तो यही था कि वो लाइसेंस के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई है, अधिसूचना जारी हो चुकी है कि अब ऐसे लोग जो कुछ कलर्स को नहीं देख पाते हैं, यानी जो नॉर्मल जो शेड्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं कि ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग नॉर्मल कलर ब्लाइंड है, यानी जिनको कुछ शेड्स नहीं दिखाई देते हैं, यानी जो गंभीर या फिर पूर्ण रूप से कलर ब्लाइंड नहीं है, ठीक है। यानी ऐसे लोग जो कुछ शेड्स को नहीं पहचान पाते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो गंभीर या फिर बिल्कुल टोटल कलर ब्लाइंड है वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये बिल्कुल क्लियर उस नोटिफिकेशन में लिखा है, मैं भी उसको स्क्रीन पर आपके दिखाऊंगा। इससे पहले भी मैंने आपको इसके बारे में और भी जानकारी दी थी कि कलर ब्लाइंड पीपल्स की समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर ये हो जाती है कि उनके अंदर एकेडमिक जो उनका बैकग्राउंड है बहुत अच्छा होता है, वो पढ़ने में भी अगर वो बहुत अच्छे हैं तब भी देखा जाए तो जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जहाँ उनको इस बात से रिजेक्ट कर दिया जाता है कहकर कि आप कुछ कलर्स को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप मेडिकली फिट नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको शारीरिक रूप से अक्षम भी नहीं मानती है और शारीरिक रूप से फिट भी नहीं मानती है। तो इस तरीके से तो टोटल एक कलर ब्लाइंड पीपल का ही नुकसान होता है। तो इसके बारे में मैंने पिछली बार भी आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि कलर ब्लाइंड पीपल्स के अधिकार, आपके भी कुछ राइट्स होते हैं जिसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो इस संबंध में जो नीरव है, जो नीरव मखवाना जो कि गुजरात का है, उसने इस बारे में केस फाइल किया था और उसका केस आगे चल भी रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उससे जुड़िएगा भी और उसकी ताकत बनिए, जिससे कि आप जब सब लोग इकट्ठे होंगे एक मंच पर तो शायद गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा नियम बनाए जिससे कि आपको कुछ जॉब्स में आगे रिलैक्सेशन मिले। जो गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन अभी जो जारी की है आपके लिए, मैं उसको स्क्रीन पर लगा देता हूँ जिससे आपके लिए ये क्लियर हो जाए। और ये 24 जून 2020 को जारी हुई है और इसके मुताबिक जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है उसके द्वारा ये जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय मोटर नियम 1989, इसमें बदलाव किए गए हैं। इसमें बदलाव आपके लिए ये किए गए हैं कि जो भी बंदा कलर ब्लाइंड है उसको एक फिटनेस सर्टिफिकेट का लगाना होगा। इसको जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप लाइसेंस के लिए जो फॉर्म भरेंगे, तो उसके साथ साथ आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी अपना लगाना होगा। ये सर्टिफिकेट आप आई स्पेशलिस्ट से आंखें चेक करके बनवाएंगे, जिसमें वो आपकी आंखें इशारा बुक से चेक करेंगे और ये डिक्लेयर करेंगे कि जो इशारा बुक से आपकी आंखें जो चेक की गई हैं उसमें आवेदक को सीवियर या फिर कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो ये जब आप डिक्लेयर करेंगे अपने सर्टिफिकेट में और फिर वो सर्टिफिकेट आप जो है वहाँ पर उसको लगाएंगे, जाहिर सी बात है ये सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल से एक अच्छे एक्सपर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन में इसको बनवाना है जो सर्टिफिकेट को, और वो आपको वहाँ पर जब आप उसके लिए फॉर्म भरेंगे अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो उसके साथ में इसको सर्टिफिकेट को लगाएंगे, जिसके आधार पर फिर आपका लाइसेंस बनेगा। इस बारे में मुझे किसी ने एक क्वेश्चन भी किया था कि क्या हम इसके लिए सिर्फ फोर व्हीलर या फिर हैवी या फिर जो लाइट इस तरीके की जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के उसकी भी कोई कैटेगरी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके का जो लाइसेंस चाहते हैं, जब आपका ये सर्टिफिकेट आप वहाँ सबमिट करेंगे तो जो भी कैटेगरी में आप लाइसेंस चाहते हैं वो लाइसेंस आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और बन जाएगा,
ठीक है। तो ये था आज का अपडेट उन लोगों के लिए जो कलर ब्लाइंड पीपल्स हैं। तो आपके लिए जो ये जो मैंने बताया है, जो इसको तो आप आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे कि अपने जो आपके पास लाइसेंस नहीं है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ जो नीरव है उससे भी आप जुड़ेंगे, जिससे कि जो आपके अधिकार हैं वो आपको मिलें। तो उसके लिए आपको उस वीडियो को मेरे जो ज़रूर देखना है जो इस आई बटन पर है, और इसमें जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल मैंने दे रखी है, वहाँ से आपको व्हाट्सअप का भी वहाँ से लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप उससे जुड़ भी सकते हैं उसके व्हाट्सअप ग्रुप से, और जहाँ से एक इकट्ठा होकर उसकी ताकत को आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे कलर ब्लाइंड जो भारत में हैं उन सबको एक मंच पर एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, जिससे कि आप अपने अधिकार को सरकार से मांगें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन बहुत बड़ी लड़ाई भी है, लेकिन नीरव अकेले लड़ रहा है, लेकिन उसकी ताकत को आपको बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और मैं और कहना चाहूँगा कि जब आप ये वीडियो देखते हैं तो इसका फीडबैक ज़रूर दिया करें, और फीडबैक देने के दो तरीके हैं, या तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप अपडेट वीडियोज़ आप हमेशा देखते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।